तो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं माय मैकेनिकल सपोर्ट। दोस्तों, जिस तरह से आपको पता है, पेंटिंग से जुड़ी हुई हर एक टॉपिक को मैं क्लियर करते जा रहा हूँ। आज दोस्तों हमारा टॉपिक है कि हमारे पास एक डिलक्स का एक्सटीरियर प्लास्टिक इमल्सन है और खास तौर पे इसको जो है वो बॉर्डर में लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको बनाते कैसे हैं। इसमें ऑलरेडी कलर मिला हुआ है, इसमें कोई अलग से स्टेनर मिलाने की जरूरत नहीं है, कलर मिलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसको तैयार करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो एक ये सादा बाल्टी ले, साफ होना चाहिए बाल्टी, इसमें पहले से कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ कर ले इसको। दोस्तों वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक अवश्य दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे पूरे टीम को मोटिवेट करता है कि अगला वीडियो और अच्छे तरीके से और इन्फॉर्मेटिव आपके लिए बनाई जाए। दोस्तों सबसे पहले इसको इस खाली बाल्टी में डाल देना है। मैंने जो है वो कुछ इमल्सन उसमें डाल दिया, आपको जितना जरूरत हो उतना ही डालें। और इसको डायरेक्टली अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये काफी गाढ़ा होता है और आपका ब्रश में जो है वो ये पकड़ लेगा और फिनिश अच्छा नहीं आएगी। इसके लिए इसमें क्या करना है कि आपको जो है वो पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने का सबसे अच्छा तरीका और सेफ तरीका ये है कि पानी हमेशा जो है वो, चाहे वो डिस्टेंपर हो, इमल्सन हो, आपको पानी हमेशा हल्का हल्का ही मिलाना है। अगर आप ज्यादा पानी मिलाते हैं तो उससे होता ये है कि आपका जो ये इमल्सन है वो ढीला हो जाएगा और उसमें फिर से एक्स्ट्रा हम लोग को फ्रेश इमल्सन डालना होगा और आपको जितना जरूरत है उससे ज्यादा आपका जो इमल्सन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जितना जरूरत हो उतना ही एक बार में बनाए, उतना अगर खत्म हो जाए और उसके बाद में इसको बनाना है। ये देखिए, ये हमने लगा दिया है और थोड़े से इसमें जो है वो चाहिए तो और थोड़ा सा पानी मिलाते हैं। धीरे धीरे पानी मिलाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप एक की जगह दो बार मिलाइए, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो ये इमल्सन है, आपका जो कलर है वो बर्बाद नहीं जाए, इसलिए धीरे धीरे मिलाएं। और ये देखिए, ये अब हो गया है, आपको सिर्फ इतना, और इसमें ठंडा पानी मिलाना है। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि क्या गर्म पानी मिलाना, बिल्कुल गर्म पानी नहीं मिलाना है। डिस्टेंपर हो या फिर इमल्सन हो, आपको ठंडे पानी ही मिलाने हैं इसमें। और ये देखिए, और आपका थिकनेस जांचने का सबसे अच्छा तरीका है, आप बस इतना देख ले कि ये इसको अगर ब्रश में लगाते हैं तो आप जो है वो इसको कर पाएंगे या फिर नहीं। ब्रश अगर चलता है तो आपका डिस्टेंपर हो या फिर इमल्सन वो सही हो गया है। तो ये देखिए, हमने जो है वो बॉर्डर तैयार कर लिया है। अब इसको ब्रश के सहारे से इसको मैं दीवार में लगाऊंगा, उसका वीडियो भी आपके लिए डाल दी जाएगी। तो फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय जवान, जय मैकेनिकल, धन्यवाद।